हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइट बोर्ड। सो बेटा, आज हम एसएसटी का अपना जो 10th चैप्टर करने जा रहे हैं, दैट इज़ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। सेंडिंग क्या होता है बेटा? सेंडिंग मीन्स कि किसी को भेजना, और रिसीविंग होता है मतलब किसी से हमें कोई चीज़ का मिलना। ठीक, तो मतलब अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में देखें तो सेंड मतलब अगर हम सोचें कि हमारे मन के जो विचार हैं, ठीक है, तो हमने उनको किसी दूसरे के सामने रखा, और रिसीव और जो उसने उसके ऊपर अपने विचार किसी दूसरे के थे, उसने वो विचार हमें सुनाए, ठीक है, तो उसको हमने रिसीव किया। ठीक, मतलब एक दूसरे के बात का, ठीक है, आदान प्रदान करना, मतलब अपने मन की बात किसी और को सुनाना और उसके मन की बात खुद सुनना। ठीक, तो दिस इज़ कॉल्ड सेंडिंग एंड रिसीविंग। मतलब कि हम अगर हम इसको लें हमारी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, जैसे चलता है कि व्हाट इज़ लैंग्वेज या भाषा क्या है, ठीक है, तो दैट इज़ कि वो क्या होती है कि हमारे जो मन के भाव हैं, विचार हैं, हम किसी और के सामने रखते हैं, और किसी और के मन के भाव या विचार जो हैं उनको जब हम खुद सुनते हैं तो वो क्या बन जाती है? भाषा, यानी कि लैंग्वेज। और इसी से कनेक्टेड है हमारा सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस, कि हमने किसी के मतलब मैसेजेस को मतलब अपने मैसेजेस किसी को भेजे और किसी दूसरे के मैसेजेस खुद रिसीव किए, प्राप्त किए। तो चलिए बेटा, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि द ग्रोथ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कहते जैसे जैसे साइंस, ठीक है, विज्ञान और टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, मतलब ये दोनों चीज़ें ग्रोथ करती गई, मतलब आगे आगे बढ़ती गई, ठीक है, तो होता था ना बेटा कि इन्होंने क्या किया, रेवोल्यूशनरी मतलब एक होता क्रांतिकारी जो थे चेंजेस, वो ला दिए मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन में, ठीक है। मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है? आदान प्रदान करना, ठीक है, वही बात जो चैप्टर में बताया है, सेंडिंग एंड रिसीविंग, ठीक है, मतलब अपनी बात किसी को सुनानी और किसी की बात खुद सुननी। हाँ जी, तो बोथ वर्बल एंड रिटन, तो वो कह रहे कि जो मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन थे, चाहे वो वर्बल मतलब बोल के थे या फिर रिटन मतलब लिख के, तो ये जो है इन्होंने मतलब बहुत चेंज ला दिया मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन के अंदर, इसने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। अब आप जानते ही हो, जैसे कि हम कई बार ये पढ़ चुके हैं कि क्या होता है कि मतलब पहले के ज़माने में, ठीक है, जो इंसान था वो कच्चा मांस खाता था, अब वो पका के खाने लग गया क्योंकि उसने आग का आविष्कार किया, ठीक है। पहले वो पैदल चल के जाता था, जब व्हील का आविष्कार खोज हुई तो उसने क्या है, बैलगाड़ी बनाई, या बस, कार, स्कूटर, कितना कुछ है हमारे पास। तो यही चीज़ है बेटा कि जैसे जैसे साइंस और जो टेक्नोलॉजी है वो आगे आगे बढ़ती गई, तो उससे हमारी जो लाइफ थी वो और ज़्यादा इजी होती गई, तो जो हमारे मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन है वो भी आगे आगे बढ़ते गए, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन है वो बेटा आता है न्यूज़पेपर, ठीक है। तो कह रहे न्यूज़पेपर इज़ द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, ये मतलब मास क्या होता है, जिसमें पूरे मतलब हम पूरे वर्ल्ड को ले लेते हैं, ठीक है ना, मतलब कहीं से भी कोई भी न्यूज़ जो है किसी भी कॉर्नर की, और वो हर कॉर्नर पे दुनिया के चली जाएगी, ठीक है, मतलब ज़्यादा लोगों को जिससे इंफॉर्मेशन मिले, तो दैट इज़ कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। तो न्यूज़पेपर मास कम्युनिकेशन मतलब ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का एक ज़रिया है। तो कहते इट ब्रिंग्स न्यूज़ रिगार्डिंग द लेटेस्ट हैपनिंग इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया के किसी भी कॉर्नर में अगर कुछ भी घटना घटी है, ठीक है, तो उसका पता सबको चल जाता है। और कह रहे इट कैरीज आर्टिकल्स, इसमें आर्टिकल होते हैं छोटे छोटे, मतलब जो होते हैं ना, समझ लो स्टोरीज, ठीक है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेदर, जो मौसम से संबंधित जो इंफॉर्मेशन है, जानकारी, वो भी हमें इसमें मिलती है। न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा एक कॉर्नर पे मतलब मौसम की जानकारी पूरी दी होती है, टेलीविज़न से रिलेटेड, रेडियो प्रोग्राम से रिलेटेड, कार्टून्स
स्ट्रिप्स, ठीक है, कार्टून करेक्टर भी इसके अंदर, ठीक है, छोटे छोटे चुटकुलों के रूप में ये दिए जाते हैं। क्रॉसवर्ड पजल्स, आपने देखा होगा कि पजल्स हम मतलब न्यूज़पेपर में सॉल्व करने के लिए आते हैं और उस पर कुछ ना कुछ प्राइजेस भी रखे होते हैं, और एडवर्टाइजमेंट, और किसी ने कोई ऐड करनी है, जैसे ठीक है किसी ने मैरिज से रिलेटेड न्यूज़पेपर में देना है, या कोई भी मतलब अपनी जो है कंपनी की ऐड करना चाहता है, तो वो भी न्यूज़पेपर के थ्रू हो जाती है। कह रही द फर्स्ट न्यूज़पेपर वाज ब्रॉट आउट बाय जूलियस सीज़र। अब आपको पता है एक इंग्लिश राइटर हुए थे जूलियस सीज़र, ठीक है, तो वो बहुत ही फेमस हुए हैं और उन्होंने न्यूज़पेपर की जो है स्टार्ट किया था इन 60 BC इन रोम, ठीक। तो कहते कि इट वाज कॉल्ड एक्टा डायोर्ना, तो इसको एक्टा डायोर्ना के नाम से जाना गया। तो कह रहे टुडे वी हैव न्यूज़पेपर्स इन मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया की कितनी लैंग्वेजेस हैं, तो हर लैंग्वेजेस में मतलब ये जो न्यूज़पेपर है वो प्रिंट होता है। और कह रहे हैं न्यूज़पेपर कम्स आउट ऑफ द प्रेस बिफोर डॉन, ठीक है, कि मतलब जो दिन छिपने से पहले तो वो निकल जाती हैं। और कह रहे सो दैट इट रीचेज द पीपल अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब जो जो दिन की शुरुआत होती है, ठीक है, तो दिन की शुरुआत हो उससे पहले जो लोग हैं, ठीक है, तो न्यूज़पेपर जो है वो छप जाते हैं वहाँ पे। और क्या होता है कि उससे उसको जो बांधने वाले लोग होते हैं वो भी मॉर्निंग में जल्दी ही सबके घरों तक इनको पहुँचा देते हैं। और कह रहे बिफोर दे गो फॉर वर्क, कि वो अपने घर से काम के लिए निकलें तो उससे पहले क्या होता है कि उनके पास जो न्यूज़पेपर है वो पहुंच जाता है। आपने देखा होगा कि सुबह आप उठते हो और आपके घर में न्यूज़पेपर पहले ही ऑलरेडी आया होता है। कह रहे दस इन अ फ्यू आवर्स टाइम द न्यूज़ हैज़ टू बी कलेक्टेड एडिटेड एंड प्रिपेयर्ड फॉर पब्लिकेशन एंड प्रिंटेड, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ही समय लगता है, ठीक है, न्यूज़पेपर सारी कलेक्ट की जाती हैं, ठीक है, इकट्ठी की जाती हैं न्यूज़, फिर उसको एडिट मतलब उसको एडिट किया जाता है, मतलब उस पर काट छांट करके उसको सीक्वेंस में लगाया जाता है और फिर प्रिपेयर किया जाता है और अभी किस सीक्वेंस में उसको लगाना है, पब्लिकेशन उसको पब्लिश और प्रिंट फिर लास्ट में किया जाता है। और कह रहे थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड फॉर दिस पर्पस, और ये इस न्यूज़पेपर को छापने में क्या होता है कि कितने हजारों लोगों को रोज़गार भी मिलता है, ठीक है। तो कहते हैं कि रिपोर्टर्स एंड फोटोग्राफर्स आर स्टेशन्ड एट मैनी प्लेसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड टू कलेक्ट न्यूज़ एंड पिक्चर्स ऑफ द इम्पोर्टेंट हैपनिंग्स इन देयर रीजन। कह रहे कि बहुत सारे जो रिपोर्टर होते हैं और फोटोग्राफर, ठीक है, रिपोर्टर होते हैं जो न्यूज़ इकट्ठा करते हैं और फोटोग्राफर उसकी फ़ोटो लेते हैं। तो कह रहे कि उनको मतलब दुनिया के हर कॉर्नर पे उनको भेजा जाता है और वो क्या करते हैं वहाँ अपने अपने एरिया से न्यूज़ इकट्ठी करते हैं और जो पब्लिशर होता है उसको वो सेंड करते हैं, ताकि मतलब क्या है कि सबको हर तरह की न्यूज़ जो है वो घर बैठे दिखाई पहुँच जाए। और कह रहे कि देयर आर न्यूज़ एजेंसीज इन एवरी कंट्री विच गैदर न्यूज़ ऑफ देयर रीजन एंड सेंड दैम टू द अदर कंट्रीज़। और मतलब क्या है कि मतलब ऐसी एजेंसी भी होती हैं जैसे इंडिया में फॉरेन के जो हैं, ठीक है, वो लोग यहाँ पे आके एम्बेसडर बन के जैसे रहते हैं और वो क्या करते हैं यहाँ की न्यूज़ फॉरेन तक अपने देश तक पहुँचाते हैं, और हमारे इंडिया के जो लोग हैं तो वो भी दूसरी कंट्रीज़ में जाके, ठीक है, एज एम्बेसडर रहते हैं वहाँ पे और वो वहाँ की जो न्यूज़ होती हैं वो हमें इंडिया तक पहुँचाते हैं। तभी तो हमें क्या पता कि दूसरी कंट्री में क्या हो रहा है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमारे जो लोग हैं वो बैठे हैं, ठीक है, तो वो वहाँ की न्यूज़ हमें पहुँचाते हैं। कह रहे देयर आफ्टर द एडिटर एंड हिज टीम स्क्रूटिनाइज, ठीक है, स्क्रूटिनाइज होता है कि खबरों की जाँच करते हैं, ठीक है, एंड सिलेक्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ आइटम्स, और फिर वो सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी न्यूज़ जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लोगों तक पहुँचनी,
or carry the headlines and decide about the space to be given to each. भी कितनी space हर एक न्यूज़ को देनी है, क्योंकि न्यूज़पेपर मतलब जो होता है वो लिमिटेड उसकी शीट्स होती हैं, तो उसके अंदर सारी न्यूज़ आ भी जाएँ, ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट न्यूज़ और उसको कितनी स्पेस देनी है न्यूज़पेपर में, वो सब वो डिसाइड करते हैं। डायरी इट इज़ देन सेंट फॉर प्रिंटिंग, फिर उसको प्रिंटिंग के लिए भेजा जाता है। Thus we see that it requires hard work and efforts of many people to ensure that the newspaper reaches our homes every morning. तो इसमें क्या है, बहुत सारे लोगों की कोशिशें, ठीक है, जो हैं उनके काम वो शामिल होते हैं, तभी हमें घर बैठे बिठाए जो न्यूज़ हैं वो हमारे घर तक पहुँच जाती हैं। तो इसके बाद बेटा आ जाता है हमारा सेकेंड जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, दैट इज़ एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट जो होती है बेटा, क्या होता है कि उसमें कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू क्या करते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, ठीक है, तो वो अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं मार्केट में, ठीक, ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से सेल हो सके। तो कहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी, मैगजीन्स और इन फॉर्म ऑफ होर्डिंग और पैम्फलेट्स कन्वे मैसेजेस अबाउट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दे आर एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजमेंट जो होती है बेटा, ये न्यूज़पेपर के थ्रू, रेडियो के थ्रू, टीवी में भी ऐड आती है ना, आप देखते होंगे, ठीक है, किसी भी लक्स सोप, जैसे सोप है, ठीक है, तो सोप भी कितने टाइप के हैं, ठीक है, कोई हो गया लक्स, ठीक है, और कुछ है मतलब लाइफ बॉय, ठीक है, और सिंथोल, ठीक, तो मतलब इस टाइप से, मतलब सोप कितने ही टाइप के होते हैं, तो हर कंपनी चाहती है कि हमारी जो चीज़ है वो ज़्यादा सेल हो, बिके, तो वो क्या करते हैं कि एडवर्टाइज़ करते हैं उसको, चाहे न्यूज़पेपर के थ्रू हो, टीवी मैगजीन के थ्रू, होर्डिंग लगा देते हैं या पैम्फलेट छाप देते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वो अपनी जो प्रोडक्ट है वो दिखाते हैं कि हमारे मतलब वो क्वांटिटी क्वालिटी उसकी बहुत बढ़िया है, तो आप इस चीज़ को ख़रीदो। तो क्या होता है कि दे टेल अस हाउ द प्रोडक्ट इज़ बेटर देन अदर, तो वो हमें बताते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो दूसरों के प्रोडक्ट से कैसे बढ़िया है। तो देयर इज़ सम गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट्स गिव अस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट प्रोग्राम पॉलिसीज एंड एडवर्टाइजमेंट अचीवमेंट्स। तो कह रहे कि कुछ गवर्नमेंट के जो होते हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट है, तो उससे हमें पता चलता है कि मतलब वो ये जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम है वो कितने बढ़िया हैं, उनकी पॉलिसीज़ और उन्होंने क्या क्या इससे हासिल किया है। जैसे आप देख सकते हो कि मतलब क्या है कि अगर हम वैक्सीनेशन का लेके चलें, ठीक है, तो एक वैक्सीनेशन प्राइवेट में भी होती है और गवर्नमेंट में भी, तो गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है कि मतलब वो दूसरों को ये बेनिफिट देने के लिए, ठीक है, वो पैम्फलेट होर्डिंग वगैरह जो होती हैं वो लगाती हैं हर जगह जगह, ताकि लोग इसके प्रति जागरूक हो सकें, ठीक है, तो भी हमें पता चलता है कि हम इससे क्या बेनिफिट हैं, तो हम क्या है प्राइवेट को छोड़ के फिर हम गवर्नमेंट सेक्टर में जाने की सोचते हैं। और कह रहे दे मे ऑल्सो गिव वार्निंग अबाउट वेदर फ्लड और अर्थक्वेक, और गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये भी वार्निंग भी दी जाती है, ठीक है, चेतावनी, मतलब हमें पता चल जाता है कि हमारा मौसम कैसा है, ख़राब होने वाला है या अभी सही रहेगा, फ्लड आएगा, बाढ़ आएगी या अर्थक्वेक से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है तो वो हमें इससे मिल जाती है। कह रहे एडवर्टाइजमेंट हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आर लाइफ, जो एडवर्टाइजमेंट है उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। नेक्स्ट बेटा आ जाता है फैक्स, ठीक है, फैक्स जो होती है बेटा एक ऐसी मशीन है, ठीक है, जैसे हमने देखा होगा कि प्रिंटर होता है ना हमारे घरों में, ठीक है, उसको स्कैन किया जाता है, ऊपर स्कैनर होता है और फिर नीचे से प्रिंट होके पेपर वो निकल जाता है, तो वैसे ही क्या है कि ये फैक्स मशीन होती है, ये हमारा जो टेलीफोन है ना, टेलीफोन, ठीक है, जो एक वायर तार से जुड़ा हुआ होता है तो उससे कनेक्ट होती है इसकी वायर, ठीक है, इसकी फैक्स मशीन की। और इसमें क्या करते हैं कि हमने जैसे कोई पेपर है, जैसे हमारा कोई सर्टिफिकेट है, तो हमने उसके अंदर डाला तो वो मशीन उसको स्कैन कर लेती है और फिर हमने जो दूसरे पर्सन को भेजनी है
तो वहाँ पे भी उसके पास भी वो फैक्स मशीन होनी चाहिए, ठीक है, तभी उस चीज़ का यूज़ है कि हमारे पास भी फैक्स मशीन है और दूसरे के पास भी ये होनी ज़रूरी है, तभी जो हमने जो जो उसको भेजना है सर्टिफिकेट, तो वो स्कैन करेगा, सर्टिफिकेट हमारे पास ही रहेगा बट मशीन उसको स्कैन कर लेगी प्रॉपर ढंग से, और फिर वो क्या है कि वो उसको फैक्स करेंगे तो वो दूसरे पर्सन तक, जिस तक हमने पहुंचाना है, उसके पास अगर फैक्स मशीन है तो उसकी मशीन के अंदर वो मैसेज पहुंच जाएगा एज इट इज़, और वो पेज वहाँ पे निकल आएगा। तो इस मशीन के थ्रू हम क्या करते हैं कि घर बैठे बिठाए ही हम वो काम कर सकते हैं इजीली। तो कह रहे कि फैक्स और फैक्सिमिली इज़ अनदर फॉर्म ऑफ टेली कम्युनिकेशन, ठीक है, टेलीफोन के थ्रू ये जाती है। और कह रहे कि इट ट्रांसमिट्स द एग्जैक्ट मैटर ऑफ अ डॉक्यूमेंट और लेटर और पिक्चर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मैंने जैसे आपको बताया कि एक जगह से जो पिक्चर है, ठीक है, कोई भी लेटर है हमने करना है, वो एज इट इज़ दूसरे तक पहुँच जाएगा बट वो हमारे पास भी रहेगा। तो कह रहे द डॉक्यूमेंट इज़ रिप्रोड्यूस्ड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है, मतलब ओरिजिनल फॉर्म में ही वहाँ पे पहुँचता है जैसा कि हमारे पास था। और कह रहे कि थ्रू फैक्स द एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन ऑफ लेटर न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स ग्राफ्स फोटोग्राफ्स चार्ट एक्सेट्रा कैन बी सेंट टू एनी टाउन सिटी कंट्री और कंटिनेंट। मतलब दुनिया के हम किसी भी कॉर्नर तक, मतलब जो फैक्स मशीन के थ्रू है वो, मतलब हमारा जो लेटर है प्रॉपर, ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, वो हम वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बेटा टेलीफोन। तो टेलीफोन का तो आपको पता ही है, ठीक है, सबके घरों में टेलीफोन होते हैं। तो कह रही थी द इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन 1876। तो इसकी जो खोज थी वो सबसे पहले अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 में की थी। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और कह रही थी टेलीफोन कैरीज द वॉइस ऑफ द स्पीकर टू फार ऑफ प्लेसेज एंड एनेबल अस टू हियर बैक फ्रॉम द पर्सन ऑन द अदर एंड। तो इसमें क्या होता है कि हम घर बैठे बिठाए, ठीक है, फ़ोन की हेल्प से, मतलब दूर बैठे बंदे की जो वॉइस है, आवाज़ है, वो हम खुद सुन सकते हैं और अपनी जो आवाज़ है वो दूर बैठे हुए इंसान तक पहुंचा सकते हैं। तो कह रहे कि दस इट प्रोवाइड्स आ टू वे कम्युनिकेशन। इसमें क्या है, टू वे कम्युनिकेशन होती है कि हमारी आवाज़ दूसरे तक पहुंची और दूसरे की आवाज़ हमारे तक पहुंची, चाहे वो कितने ही किलोमीटर दूर जो है वो बैठे हों, ठीक है। तो कह रहे थ्रो एसटीडी एंड आईएसडी फैसिलिटीज़ द कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स एनेबल अस टू टॉक टू पीपल लिविंग इन डिफरेंट सिटीज़ और क्रॉस द सीज इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स। बेटा क्या कह रहे कि सैटेलाइट होती हैं, ठीक है, सैटेलाइट एक मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट है कि जिसको जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, तो मतलब वो क्या करते हैं, वो टेक्नीशियन जो है वो बना के उसको ऊपर स्काई में छोड़ देते हैं। तो वो सैटेलाइट क्या करती है कि मतलब जो रेज होती हैं ना, मतलब हमारे नीचे जो है टेलीफोन एक्सचेंज आपने देखा हो तो टेलीफोन की मतलब ये मतलब इस टाइप से ना आपने देखा होगा हमारे घरों के आसपास टावर लगे होते हैं टेलीफोन के, तो टेलीफोन के जो टावर हैं, ठीक है, तो उनकी वायर हमारे घर तक आती हैं, ठीक, बट वो जो टावर हैं तो उसकी जो रेज हैं वो छोड़ता है, और वो सैटेलाइट जो ऊपर उन्होंने स्काई में छोड़ी होती है तो वो रेज जो है वो पकड़ लेती है, ठीक है, तो वो रेज हमें दिखाई नहीं देती हैं बट वो सैटेलाइट पकड़ती है एक जगह से और दूसरी जगह उन रेज को पहुंचा देती है। तो इसके थ्रू क्या होता है कि हम दूर बैठे हुए भी मतलब काफ़ी डिस्टेंस होने के बावजूद भी हम दूसरे लोगों से बातचीत कर सकते हैं। तो कह रहे दिस डेज मोबाइल और सेलुलर फ़ोन हैव बिकम वेरी पॉपुलर। आज की डेट में जो मोबाइल फ़ोन और सेलुलर फ़ोन है वो यूज़ होने लग गए हैं कि मतलब उसमें क्या है वायर, ठीक है, तार की भी ज़रूरत नहीं है, बिना तार के ही हम क्या है कि रेस की हेल्प से, ठीक है, क्या है कि अपनी बातचीत दूसरों से कर सकते हैं। वो कहते हैं कि दीज फोन्स एंड कॉर्डलेस एंड कैन बी कैरिड विद अस वेयर एवर वी गो। कहते हम जहाँ भी जाते हैं हम इन मोबाइल फ़ोन को अपने साथ लेके जा सकते हैं। वी कैन इवन सेंड शॉर्ट रिटन मैसेजेस कॉल्ड SMS ऑन दीज फोन।
तो हम मतलब जो छोटे छोटे मैसेजेस होते हैं एसएमएस के थ्रू टाइप करके भी भेज सकते हैं, ठीक है। बट क्या है कि वो उनकी जो क्वांटिटी होती है वो लिमिटेड वर्ड होनी चाहिए। तो कह रहे कि प्रेजेंटली द मोबाइल फोन्स बीइंग यूज्ड आर मल्टी पर्पस डिवाइसेस एंड आर कॉल्ड स्मार्टफोन। तो इनको मतलब आजकल हम स्मार्टफोन के नेम भी दिया जाता है। दी स्मार्टफोन्स हैव एडिशनल फंक्शंस लाइक मल्टी मीडिया प्लेयर, डिजिटल कैमरा, वीडियो कैमरा, जीपीएस, नेविगेशन सिस्टम। अब आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल फ़ोन में ठीक है मल्टी मीडिया प्लेयर भी होता है, जिसमें हम मतलब सॉन्ग वगैरह चला सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। डिजिटल कैमरा है, फ़ोटो खींच सकते हैं, वीडियो कैमरा, वीडियो बना सकते हैं, जीपीएस, नेविगेशन, मतलब हमें अगर कहीं किसी जगह पे जाना है, हमें उसका रास्ता नहीं पता, तो हम जीपीएस सिस्टम लगाएंगे तो वो हमें पूरा मैप वहाँ पे और हमें रास्ता दिखाता जाता है। कह रहे ब्लूटूथ एंड अ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन कॉल्ड ऐप्स, तो ये सब उस मोबाइल फ़ोन के अंदर शामिल होती हैं, तो इनको ही स्मार्टफोन का नाम दिया जाता है। और आज की डेट में हम बेटा घर बैठे हुए ठीक है क्या करते हैं कि मतलब मीट के थ्रू या जूम ऐप के थ्रू क्या करते हैं, मतलब सभी इकट्ठा होके एक क्लास बना ली हमने, ठीक है। तो आज के जो कोरोना टाइम है, अगर हम पहले देखते तो ये पॉसिबल चीज़ें नहीं थी, बट जो स्मार्टफोन है इन्होंने इस चीज़ को पॉसिबल कर दिया है और घर बैठे बिठाए हमें मतलब क्या है कि एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया और हम एक दूसरे को देख भी सकते हैं और उसकी आवाज़ सुन भी सकते हैं। कह रहे कि इट इज़ ऑल्सो सर्विंग द पर्पस ऑफ स्मॉल पर्सनल कंप्यूटर हैविंग इंटरनेट फैसिलिटी एंड वेब ब्राउजिंग, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि पर्सनल कंप्यूटर जो होते हैं तो वो हमें इंटरनेट की फैसिलिटी देते हैं, ठीक है। तो ये जो फ़ोन है ये बहुत ही मतलब बढ़िया आज की डेट में हुए हैं। और कह रहे कि दे हैव टच स्क्रीन, इनकी स्क्रीन टच होती है और दे हैव मेमोरी कार्ड टू स्टोर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, म्यूजिक एंड पिक्चर। और इसके अंदर क्या है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, पिक्चर, म्यूजिक सब जो है वो सेव भी हो जाता है। तो बेटा आज मैं आपको ये चैप्टर यहीं तक ही कंप्लीट करती हूँ, आपने इसको पूरे ध्यान से पढ़ना और समझना है। ओके बेटा, बाय।